हेलो, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं NIS 66 सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, जो कि डिटेल्स आ चुकी है। एंड जो डिटेल्स थी वो मेरे सामने है, 7/4/2022 को डिटेल्स आ चुकी थी सारी, बट मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा के साथ में कि इस बार थोड़ा चेंज है एप्लीकेशन के अंदर। पहले सब कुछ ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती थी, बट अभी क्या है कि ये जो भी एप्लीकेशन है सभी हमें ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत चेंजेस है इसके अंदर, फीस वगैरह सब कुछ सेम है एंड जो भी कुछ है सब कुछ सेम है। एंड कोविड थोड़ा सा भी डाउन चल रहा है, बट फिर भी यहाँ पर अभी भी हाफ ऑफलाइन और हाफ ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखते हैं जरा और क्या क्या मेंशन है इस PDF के अंदर। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल सारी मेंशन करके थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं। कंडक्ट ऑफ 66 सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग अंडर मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। साथ में ये वेबसाइट मेंशन कर रखी है कि आपको जहां पर जाके लॉगिन करना, रजिस्टर करना है एंड सारी डिटेल्स अपनी फिलअप करनी है, फॉर्म जहां पर फिलअप करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं वीडियो के एंड में कि कैसे सब कुछ फिलअप करना है। देन ये सारी डिटेल्स है और सारी एप्लीकेशन स्टार्ट वगैरह सब कुछ, सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी, आपकी ऑनलाइन क्लासेस कब से कब तक होगी, थ्योरी क्लास कब तक होगी, और जो लिस्ट है कब आएगी, 6 तारीख को लिस्ट आ जाएगी। लास्ट डेट जो है सबकी एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है 25 तारीख। 25 तारीख तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें नहीं होगी। ठीक है, और जब भी क्लासेज है ऑनलाइन वो आपकी 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 9 तारीख से 4 तारीख तक आपकी क्लासेज होगी, 9 मई, 9/5/2022 से 4/6/2022, ये समर सेशन की है। ठीक है, और उसके बाद जो ऑफलाइन क्लासेज होगी आपकी, यहाँ पर दे रखे है फिजिकल रिपोर्टिंग 10 तारीख की है। देन आपकी जो क्लासेज है प्रैक्टिकल वो 13 तारीख से 27 तारीख तक चलेगी। टोटल 12 दिन का टाइम होगा, आई थिंक, सॉरी 14 दिन का टाइम है टोटल। और जो भी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी है, स्पोर्ट्स जो है इसके अंदर बताया था आपको, ये सारे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 28 टोटल स्पोर्ट्स हैं इसके अंदर। सबके सेंटर्स अलग अलग जगह पर मिलते हैं एंड ये बाद में लिस्ट आती है कि आपको सेंटर्स कहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं इनके थ्रू। एंड बाकी जो फीस है आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है और आपको ये 2 पार्ट में पे करनी पड़ेगी। पहले आपको 14,800 रुपये पे करने पड़ेंगे, देन जब आप फिजिकल क्लासेस के लिए जाएंगे तो आपको बचा हुआ अमाउंट वहां पर जब उस टाइम पर पे करना पड़ेगा। बाकी जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसके लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी दे रखा है यहाँ पर, मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए, 12th से कम पास है तो आप इसके अंदर इनरोल नहीं कर सकते हैं। एंड आपकी जो एज होती है मिनिमम, आपको एज एज बताया था आपको, कम से कम आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 20 से 42 साल उनके बीच में होनी चाहिए, कम से कम 20 साल, 4/4/42 साल। अगर आप 43 ईयर्स के तो आपको नहीं इसके अंदर एडमिशन मिलेगा, बाकी डिपेंड करता है, 5 साल का इलेक्शन मिल जाएगा अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है या फिर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो। बाकी जनरल के लिए एज है 20 से 42 साल। और बाकी आपके मिनिमम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, वो पोजीशन का, डिस्ट्रिक्ट हो या फिर जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं उनका हो, इंटर कॉलेज हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो, ये सारे सर्टिफिकेट चल जाएंगे। बाकी नेशनल वगैरह स्टेट वगैरह पोजीशन सर्टिफिकेट है तो और ज्यादा बेटर है। ये सारी चीज जो दे रखे यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन, यहाँ पर मार्क्स दे रखे आप देख सकते स्क्रीन पर अपनी, कि बैचलर ग्रेजुएशन के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, और ये फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन वगैरह बैचलर से तो आपकी 3 मार्क्स मिलेंगे, मास्टर के 4 मार्क्स है। ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पर कि आपके सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स दे रखे यहाँ पर, ये मार्क्स आपके कहाँ पर काम आएंगे, क्योंकि लिस्ट के अंदर ये सब कुछ लिखा नहीं होता। ये मार्क्स आपके एट द एंड काम आते हैं जब आपको सर्टिफिकेट के मार्क्स मिले जाते हैं। तो जब आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे तो उसके अंदर ये जो मार्क्स है, जो आपकी ग्रेजुएशन वगैरह ये मैटर करती है, उसके थ्रू आपके थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है, थोड़े से मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है तो थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते हैं बाद में सर्टिफिकेट के अंदर। बाकी ग्रेड सिस्टम होता है और मार्क्स सिस्टम, मतलब मार्क्स और ग्रेड दोनों लिखे होते हैं। एंड अगर आपको जाना डिटेल्स के अंदर कि सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर होता क्या क्या वहां पर, तो मैंने एक पूरा व्लॉग कवर करा है, अराउंड 12-13 वीडियोस होगी आई थिंक। आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पूरी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे जो है सर्टिफिकेट सेरेमनी तक सब कुछ में कवर करें कि क्या क्या वहाँ पर होता है, तो आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं मतलब उस वीडियो को, उसके अंदर आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या क्या वहाँ पर होता है। एंड बाकी आपको सब कुछ अपनी तरफ से लेके जाना पड़ेगा, प्लेन किट वगैरह वो वहाँ पर इतना कुछ सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड एक चीज और है कि अगर आप वहां पर जाएंगे तो अगर आपका नाम आता है इसके अंदर तो अपने 4-5 थाउजेंड रुपीज मैं कहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा रखना, मतलब जो आपने बजट सेट कर रखा है वहां जाने के लिए, उससे 4-5 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा ही लेके चलना, क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है एंड काफी सारी चीजें वहां पर आपको पे करनी पड़ेगी काफी चीजों के लिए। तो एड ऑन एक्स्ट्रा जरूर लेके चलना आप, 4 से 5 हज़ार, अब लो टू लो भी 3 हज़ार तो कम से कम एड ऑन एक्स्ट्रा मतलब लेके चलना, जितना आपने बजट सेट कर रखा है। तो ये सारी डिटेल्स थी इसकी। और काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो कोर्स है पूरा 66 का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसका बेनिफिट क्या होगा। तो इससे कुछ 2-3 बेनिफिट्स ये है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप किसी भी स्कूल के अंदर वर्क कर सकते हो एज अ कोच, एज अ
नॉर्मल टीचर न्यूट्रिशन वगैरह की काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से भी, नॉर्मल एक या फिर आप ट्रेनर वगैरह लग सकते हो क्योंकि काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से उन चीज के रिगार्डिंग भी। तो कोर्स तो आप इजीली ले सकते हो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी आप स्कूल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। केवीएस वगैरह के अंदर भी इनकी भर्ती निकलती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोचिज की। तो हो सकता है आपकी बातचीत अच्छी है तो आप परमानेंट भी हो जाओ, बट स्टार्टिंग में एज अ कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखते हैं आपको। एंड बाकी इसके थ्रू आप जो डिप्लोमा कोर्स होता है इनका उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स के अंदर अगर आपका स्टेट में पार्टिसिपेशन है 2 बार सीनियर स्टेट में, या फिर आपने 1 बार सीनियर स्टेट के अंदर आपकी पोजीशन है, तो आप इस सर्टिफिकेट को लगाकर उसके अंदर भी इनरोल कर सकते हैं, उसके अंदर एंट्रेंस दे सकते हैं। ये तो डायरेक्ट एडमिशन होता है इसके अंदर, उसके अंदर आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इससे ये बेनिफिट मिलता है। बाकी अगर आप फिजियोलॉजिकल टीचर है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है रिज्यूम के अंदर आपको, कि आपको मतलब कि अपने ये कोर्स करा तो कुछ ना कुछ तो जरूर एक्स्ट्रा आता ही होगा, तो एक प्लस पॉइंट भी रहता है। एंड काफी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो सब ये कोर्स करते हैं क्योंकि उनको इससे काफी बेनिफिट मिलता है आगे स्कूल्स वगैरह के अंदर। स्पोर्ट्स सीखने का मौका मिलता है, काफी सारी चीज आपको नई सीखने को मिलेगी वहाँ पर, काफी स्किल्स जो आपने नहीं सीखी होगी वो आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर एक चीज दे रखी है कि बेस्ट स्ट्रेंथ जो है वो 30 से 50 स्टूडेंट्स की है, बट इतना नहीं होता, कम से कम बेस्ट स्ट्रेंथ हाँ इतनी मतलब कि टोटल स्टूडेंट आई थिंक जब लास्ट टाइम मैं जब गया था तो 100 से अबव स्टूडेंट्स थे, तो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उनको, तो बाकी इतने ही लगभग बैठ जाते हैं बेस्ट स्टूडेंट, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी कोरोना चला गया तो बाकी इनको कोर्स थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए था, पूरा ऑफलाइन कर देना चाहिए था, बट अभी भी हाफ ऑनलाइन और हाफ ऑफलाइन है। तो और डिटेल्स से आपको कि एग्जाम्स वगैरह कैसे होते हैं, इनके बाद में प्रैक्टिकल सेशन कैसा होता है, क्या होता है इस कोर्स के अंदर, तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इतना था इस वीडियो के अंदर, फॉर्म फिल आपको दिखाता हूँ कैसा है, जो ये लिंक है इसको क्लिक करके आप दिखा, थोड़ा सा फॉर्म फिलअप का क्या सीन है। देखो यहाँ पर ये आपको पहले क्रिएट न्यू अकाउंट होगा, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पर नाम वगैरह आपको मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ डालना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालकर पासवर्ड डालकर आपको लॉग इन करना, दिखाता हूँ लॉग इन करके कैसे आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो लॉग इन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो ये आपको कंप्लीट करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करके क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3 4 और 5। स्टेप 1 के अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, अपना व्हाट्सएप नंबर, स्टेट वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ, कि आप कौन से डिसिप्लिन के अंदर, कौन सा स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सेशन है, सब कुछ मेंशन है इसके अंदर, कंट्री कौन सी है, स्टेट वगैरह। ये बहुत इजी चीज़ है, आप इजीली इसको फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको जो स्टेप 2 है उसके अंदर आपको एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स अपनी पोस्ट करनी है। अब तो आपको ये इजी है, कुछ नहीं करना, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर रहे हो पहले, फिर एजुकेशन जो और अचीवमेंट्स है वो भरना है आपको, फिर नॉर्मल जो अपलोड होता है वो, फिर आपको पेमेंट जो करनी है वो यहाँ पर पेमेंट नहीं होगी, आपको SBI कलेक्ट पर जाकर पेमेंट करनी पड़ेगी। SBI कलेक्ट दिखाता हूँ किस तरीके से पेमेंट होती है वहां पर। SBI कलेक्ट देखो यहाँ पर दे रखा है कि आपको यहाँ पर पहले इस वेबसाइट पर जाना है, ये SBI कलेक्ट की वेबसाइट है, इसके पास आपको इस पर जाना है आपको, ये SBI कलेक्ट, देन आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है, इंस्टीट्यूशन देखना है, यहाँ पर डालना है आपको पंजाब, कहीं कुछ और कुछ डालना, पंजाब डालना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको डालना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीचे आएगा यहाँ पर, वेट अ मिनट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स का आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सेंटर वगैरह ऑप्शन जो है इसको पटियाला ही कर देना, और कुछ मत करना। गेम सेलेक्ट करना, जैसे लाइक मैंने कबड्डी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अपना नाम वगैरह फिलअप करना, कौन से स्टेट से हो आप वो लिखना है यहाँ पर आपको, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस डालना है आपको यहाँ पर, आधार नंबर डालना है यहाँ पर, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और बाकी यहाँ पर नेम वगैरह सब कुछ डिटेल्स करनी, रिमार्क्स खाली छोड़ देना, कोई कंपल्सरी नहीं है। देन इसकी 1000 रुपये फीस है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। एंड जो स्लिप यहाँ से निकलेगी आपके सामने वो आपको इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स है इसके अंदर, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं है, कुछ ऐसा अलग से नहीं है, बहुत ईजी फॉर्म फिलअप है। और एक जो मेन पॉइंट और है कि अगर आप ये कोर्स करने जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि इसके अंदर डेट्स वगैरह जो दे रखी है, मैं अभी टिकट्स बुक कराया था, अगर आपका नाम आ जाता है तो इसके अंदर, तो टिकट्स वगैरह आप जल्दीबाजी में बुक मत कराना जब तक कुछ फाइनल नहीं होता, क्योंकि डेट ऊपर नीचे कर देते हैं ये, कुछ भी बिना बताए, तो इन चीज़ को ध्यान रखना। टिकट्स वगैरह जो कराओ आप थोड़ा लेट ही कराना, जब तक ऑनलाइन क्लासेस खत्म नहीं होती, बिल्कुल फाइनल नहीं बताया जाते जब तक आप डेट अपनी मत टिकट्स वगैरह कराना, टीचर से बिल्कुल कंफर्म करके टिकट्स कराना, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी ऊपर नीचे हुई थी सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको बहुत सजेस्ट कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें।
तो बाकी इतना तो इस वीडियो के अंदर, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे हमारे कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और हमसे खुद मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।